हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट धर्मेश्वर और इस वीडियो में मैं आपको चादर ट्रैक में क्या क्या लेके जा सकते हैं और क्या क्या नहीं लेके जा सकते ये बताऊंगी। ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाला है, मैं बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैंने 2019 में चादर ट्रैक किया था जिसका वीडियो आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो बिना देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैग के बारे में कि बैग कितनी बड़ी होनी चाहिए और कितने लीटर की होनी चाहिए। अपने बारे में बात करूँ तो मैंने 30 लीटर की ये वाली बैग यूज़ की थी, जो डेकैथलॉन की है, वहीं से लिया था, केचुआ की बैग है। तो आप चाहे तो 45 लीटर या 55 लीटर की बैग ले सकते हैं, क्योंकि इस ट्रैक में ज़्यादातर कपड़े खुद पे ही लदे होते हैं। बैग में तो जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो ही हम डालते हैं। अगर आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कैमरा बड़ा है, तो आप बड़ी बैग ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 30 लीटर की बैग से हो जाते हैं, 45 इज इनफ। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी रक्षक आप ले रहे हैं उसके बक्कल एकदम सही हो, जैसे कि कोई भी बक्कल टूटा हुआ ना हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर ये टूटा हुआ होगा तो आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी कैसा होता है ना कि बैग का पूरा वजन शोल्डर पे आता है या बैक पे आता है, तो इससे बहुत दिक्कत होती है। तो ये वजन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बैग पैक करते वक्त वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं तो कमेंट में बता देना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। अब बात करते हैं कि उसके साथ डे पैक। ये छोटा सा डे पैक मैं लेके गई थी, ये कॉम्पैक्ट हो जाता है इसके लिए, और ये इसके लिए काम आता है कि अगर आपका कपड़ा गीला वगैरह हो गया तो एक पॉलीथीन में पैक करके इसको इसमें डाल सकते हैं। तो ये छोटा हो जाता है, बहुत ही कम जगह और लाइट वेटेड है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ है बैग का कवर, ये कवर भी बहुत ज़रूरी है। स्नोफॉल वगैरह हो गया तो आपके का जो सामान है बैग के अंदर का वो गीला ना हो, इसके लिए रेन कवर भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ज़रूरी सामान के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं नीचे तक का, ताकि आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कैप की। ये जो कैप है वो मंगोलियन कैप मैंने ले से ही लिया था, ये काफ़ी अच्छी थी, मैंने इसी से ट्रैक किया, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कैप कोई भी वुलन कैप काम आएगी, पर उसका एक दिक्कत है कि वो गीले हो जाते हैं, तो ये भी गीली होती है। तो अगर आप चाहे तो एक स्पेयर में ले सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ ऐसा करो कि हेड कवर हो जाए उसके ऊपर वुलन कैप हो जाए, तो ये एक चीज़ है। और जब भी आप कोई भी ट्रैक करो, सिर्फ ये नहीं कोई भी ट्रैक करते हैं, तो उसमें कान खुले रखने हैं, सिर्फ सर ढकना है, सर कभी खुला नहीं रखना है, ज़्यादातर ठंड में सर ढकना है और कान खुले रखने हैं, ताकि आप अक्लेमेटाइज अच्छे से हो जाओ। ये जो कैप है उसमें मेरे कान ढक रहे थे, पर इसमें एक अच्छा चीज़ था कि यहाँ से हवा जा रही थी और ये लोकल यूज़ कर रहे थे, तो मैंने इस कैप से किया है। और ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 200-250 में ही मेरी आई थी। और दूसरा है सन ग्लासेस एक्स्ट्रा लेके जाना। ऐसा होता है कि कभी कभी ग्लासेस टूट जाते हैं, गिर जाते हैं या टूट जाते हैं, तो स्नो के वक्त, खास करके जितने भी स्नो ट्रैक हैं उसमें एक्स्ट्रा सनग्लासेस इसलिए लेना चाहिए कि अगर आपने स्नो वाले ट्रैक में सनग्लासेस नहीं पहने तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है नेक वार्मर आप प्रेफर कीजिए, ताकि आपको ठंड से आप बच सकें। नेक वार्मर ले सकते हैं या बलकलावा ले सकते हैं, मफलर से ज़्यादा मैं बलकलावा प्रेफर करूँगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मफलर से ज़्यादा बलकलावा ज़्यादा कंफर्ट रहता है। अब सवाल है कपड़े क्या ले जाए। तो सबसे पहले मैं थर्मल के बारे में बात करूँगी। एक पैर थर्मल अवश्य लेके जाएं, यानी अपर एंड लोअर दोनों हो थर्मल में। उसके बाद आती है टी शर्ट। तो दो टी शर्ट या तीन टी शर्ट इनफ है। मैं मरीनो वुल की टी शर्ट प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी पतली है, लाइट वेटेड है और ये ज़्यादा जगह भी नहीं रोकती है और काफ़ी वार्म रहता है, तो मैं ये वाली टी शर्ट प्रेफर करती हूँ, ये मेरे बहुत काम आती है। बात करते हैं कि पैंट। आप ऐसा कोई ट्रैक हाइकिंग पैंट ले सकते हैं, काफ़ी पतला है और क्विक ड्राई पैंट है, ये भी पतला होता है और ये काफ़ी जगह नहीं रोकता है, तो ये बहुत ही काम आता है। अगर आप इसको देखें तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, पर ये वाले ट्रैक में मैं ये वाला पैंट आपको प्रेफर करूँगी। आप ये वाला पैंट लें, ताकि इसके अंदर फ्लीस है, आप देखिए अंदर फ्लीस है और ऊपर ये वाटर रेजिस्टेंस है। ये हैवी होता है, ये जगह भी ज़्यादा लेगा, बट ये आपको पहन के चलना है। ऐसा आप एक पैंट ले लीजिए और एक क्विक ड्राई पैंट ले लीजिए, ताकि कैसा होगा कि इस ट्रैक से आपका हो सके तो पूरा ट्रैक ख़त्म हो जाएगा इससे। और ये वाला क्विक ड्राई पैंट अगर लेते हो तो थर्मल तो ऑफकोर्स डालना ही है, पर एक जो पैंट मैंने खुद लिया था और खुद पहना था इस ट्रैक में, मैंने क्या किया था, मैंने एक वहाँ से लोकल वाला फ्लीस पैंट ले लिया था, उसके ऊपर मैंने ये वाला पैंट डाला था, ये क्विक ड्राई है ताकि, और वो वूल का था
तो वो गीले होने की चांसेस ज़्यादा थी और ऑफकोर्स वो सूखेगा भी नहीं। तो मैंने उसके ऊपर ये डाला था ताकि इसके ऊपर कोई भी पानी आए तो सबसे पहले इस पे गिरे और तब तक तो हम झाड़ देंगे। देख तो ऐसे दो पैंट ले सकते हैं और एक मैंने जो बोला वो फ्लीस पैंट लोकल मार्केट से ले सकते हैं, उसका कोई 400-500 या 600 रुपये में वो मिल जाएगा। तो वो एक पैंट और ये दो पैंट ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको बोला कि ये वाला पैंट जिसके अंदर फ्लीस है और ऊपर वाटर रेजिस्टेंस है तो ये गीला नहीं होगा। तो आप एक पैंट ये, एक पैंट ये और थर्मल से काम चला सकते हैं। इसको पहनना है और इसको पैर में रखना है। मैं शॉर्ट में बता दूं कि दो टी शर्ट, दो पैंट, एक थर्मल पैर पूरी, ये आपको लेके जानी है। और ध्यान रखना कि आपकी जो स्लीव है वो फुल स्लीव हो, टी शर्ट की फुल स्लीव हो। एक साथ में एक फ्लीस भी आप लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं जैकेट के बारे में। तो जैकेट ऐसे प्रीफर कीजिए कि जो -20 to -30 तक चले। ऐसे जैकेट काफ़ी महंगे आते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेयर बढ़ा सकते हैं उस सिचुएशन में। अब मेरे पास ना ये वाला जैकेट था, मैंने कोई और जैकेट पहना था पर ये वाला जैकेट महेश ने पहना था। इसमें होता क्या है, इसमें ये विंड प्रूफ है, यानी ये विंड चीटर भी है और ये वाटर प्रूफ भी है, प्लस इसके अंदर ये फ्लीस आती है। तो ये ऐसे होता है और ये फ्लीस अलग भी हो सकती है, तो आप ऐसा जैकेट भी ले सकते हैं। ये सस्ता जैकेट, ये काफ़ी 2500-3000 में आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसा जैकेट करके लेयर बढ़ा सकते हैं, ये एक चीज़ है। दूसरा होता है पॉन्चो। तो आप रेनकोट मत लीजिए, पूरी पैर रेनकोट की लेंगे आप हैवी हो जाएगा, वो जगह भी लेगा। तो पॉन्चो कैसा है ना, पॉन्चो ये देखो, सॉरी ये पॉन्चो है जो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो आप पॉन्चो प्रेफर कीजिए, हो सके उतनी बैग में वजन कम हो, सामान कम हो, लाइट वेटेड हो, वो बहुत ज़रूरी है। वही कपड़ों में पूरा ट्रैक कंप्लीट हो वैसा करना। स्पेयर कपड़े हम इसलिए लेते हैं ताकि गीले वगैरह हो जाए तो उसको चेंज कर पाए। अगर आपका ये वाला जैकेट है जो वाटरप्रूफ भी है, विंडप्रूफ भी, अगर आपका पैंट भी वाटरप्रूफ विंडप्रूफ है तो ज़रूरत नहीं है पोंचो की भी। अब बात करते हैं हैंड ग्लोव्स की। तो ये वाले हैंड ग्लोव्स हैं जो वाटरप्रूफ है, सस्ते भी है, आप चाहे तो अच्छी क्वालिटी के ये ऐसे वाले ले सकते हैं हैंड ग्लोव्स। और कुछ ऐसे हैंड ग्लोव्स भी आते हैं, अभी मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, जिसमें आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको कभी मोबाइल यूज़ करना है, क्लिक करना है, तो हैंड ग्लोव्स को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चादर में बहुत हालत ख़राब हो जाती है ग्लोव्स वगैरह निकालेंगे तो। पर मैं बताऊँ, ठंड किसी में भी नहीं लगने वाली, चाहे आप ये यूज़ करो चाहे आप ये यूज़ करो। मैं ये भी मैंने यूज़ करके देखा है माइनस टेम्परेचर में, और ये भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो आप अपनी चॉइस की वाटरप्रूफ हैंड ग्लोव्स ज़रूर लेना। वाटरप्रूफ मैं प्रीफर करूँगी क्योंकि चादर ट्रैक है, आप नदी पे ट्रैक कर रहे, कहीं भी कुछ भी गीला हो सकता है, तो वाटरप्रूफ हो वो इंश्योर करना। अब बात करते हैं सॉक्स की। तो दो कॉटन सॉक्स और 3 वूलन सॉक्स ज़रूरी है। कॉटन सॉक्स और वुलन सॉक्स को पहन सकते हैं, पहले आपको कॉटन सॉक्स पहनना है। वुलन सॉक्स पहन के ट्रैक नहीं करते हैं, कॉटन सॉक्स पहनो, उसके ऊपर वुलन सॉक्स पहनो, फिर आप अपना जूता पहनो गमबूट। और ये सिर्फ चादर ट्रैक में करना है, दो सॉक्स पहन के कोई भी ट्रैक नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ चादर ट्रैक के लिए है। एक जो आपका वुलन सॉक्स जो बचेगा वो आपको रात को पहनना है सोते वक्त। अच्छा, आपके जो सॉक्स की लेंथ है ना वो ज़्यादा हो, ये ज़रूर देखना, ये लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। कैसा है ना कि अगर आप जैसे जूते पहनेंगे ना तो जूता आपका जो गमबूट है वो यहाँ तक आएगा, राइट। तो ये जहाँ पे ख़त्म होगा आपका जूते का, वहाँ आपको वो घिस सकता है। तो क्या करना, आप अपना सॉक्स पहनो, उसके ऊपर आपका जो पैंट है वो उसको अंदर डाल दो, यानी बाहर रखो गमबूट। कभी कभी कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि उसके ऊपर पैंट आता है, ऐसे मत करो। तो ये एक ध्यान रखना कि आप ऐसे कर सकते हो ताकि आपको वो घिसेगा नहीं। अब बात करते हैं जूते की। तो ये पूरा ट्रैक ना गमबूट से होता है। गमबूट आप अपने कहीं नज़दीक के स्टोर से खरीद के भी लेके जा सकते हैं, और आप चाहे तो लेह से भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 350 से 400 होगी। आपको लेह में रेंट पर गमबूट मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो रेंट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी आप रेंट ही कर लो, क्योंकि 350-400 में आप गमबूट खरीदेंगे और वो दूसरी बार कोई काम आने वाला नहीं है, और वो कैरी करके आप, मुझे नहीं लगता कि आप भी लेके आता है वापस।
तो आप रेंट 150 रुपये में रेंट हो जाएंगे, 350-400 रुपये में आप खरीद सकते हैं। गमवुड से आपको ये पूरा ट्रैक करना है, पर साथ में स्पेयर में आपको ट्रैकिंग शूज़ लेके जाने हैं। ट्रैकिंग शूज़ आप इस पर, ये मेरे ट्रैकिंग शूज़ हैं, ये ट्रैकिंग शूज़ मैं लेके गई थी। अब इसकी हालत बहुत गंदी हो चुकी है, पर इससे मैंने बहुत काफ़ी ट्रैक किया, पर इसकी ग्रिप अभी भी है, तो मैं ये सिला के भी यूज़ करती रहती हूँ। जब अभी इसको एक महीना और ट्रैक में यूज़ करूँगी, मेरा एक महीने का एक है प्लान, तो उसमें भी मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो ऐसे जूते आपको सस्ते मिल जाएंगे डिकैथलॉन से, ये डिकैथलॉन का ही है, इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, तो आप स्पेयर में इसको लेके जा सकते हैं। और ट्रैक पूरा गमबूट से ही करना है आपको। ये जो ट्रैकिंग शूज़ है वो आपको कैंपसाइट पे काम आएंगे, कुछ जगह पर जहाँ चादर नहीं बनी और आपको ट्रैक करना पड़ा या हाइकिंग करनी पड़ी, तभी ये ट्रैकिंग शूज़ काम आते हैं, तो इसलिए इसको लेके जाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं पानी की बॉटल के बारे में। तो प्लास्टिक की बॉटल या कोई और बॉटल मत लेके जाना, आप इस टाइप की कोई बॉटल लेके जाना, ये मेरी मिल्टन की है। उसमें क्या होता है कि आप गर्म पानी इसमें भर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेड टॉर्च बहुत ज़रूरी है विथ एक्स्ट्रा सेल। मेडिसिन, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन ले लीजिएगा, पर लेने से पहले अगर आपके ग्रुप में कोई डॉक्टर है तो उनको इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं। अगर नहीं है तो गाइड को बता देना कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, ठीक है। फिर सनस्क्रीन लोशन, वो बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन लोशन 50 SPF, मतलब 50 SPF से 70 SPF हो, वो ज़रूरी है। उसके बाद है लिप बाम, मॉइस्चराइजर, टिश्यू एंड टॉयलेटरीज। तो टिश्यू में खासकर आप इस प्रकार के पूरा का पूरा रोल उठा लेते हैं कि पर आप एक दिन ध्यान रखना कि ये पूरा रोल नहीं लेना है आप में, आप देखना है कि आपका कितने दिन का ट्रैक है, 5 दिन का ट्रैक है, 5 दिन में कितना यूज़ होगा, तो इतना सारा यूज़ नहीं होने वाला, तो जितना यूज़ हो रहा है उतना निकाल लो और उसको ऐसे पूरा रोल करके ले, पर ऐसे करके ले ताकि अगेन स्पेस बच जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की हैं। अब बहुत ही ज़रूरी टिप्स, कैम्प्रोन नहीं लेके जाने हैं, वो कोई काम में नहीं आने वाले हैं। कुछ लोग यूज़ करते हैं पर मैं सजेस्ट करूँगी कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी थी और वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ ज़रूरत नहीं है। इस ट्रैक पर वॉकिंग स्टिक की ज़रूरत नहीं है, जीन्स में ट्रैक मत कीजिएगा, और दूसरा स्वेटर भी लेके मत जाइएगा। दूसरी बात कि आपका जो कैमरा, बैटरी, फ़ोन, क्रीम वगैरह है, सनस्क्रीन है, उसको रात को सोते वक्त आप अपने स्लीपिंग बैग में डाल दीजिए, ताकि कैमरा की बैटरी उतर ना जाए और क्रीम वगैरह जम ना जाए, तो ये बहुत ही काम किया। और डे में क्या करेंगे कि आपका जो कैमरा की एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह है, वो जो आपका एक्स्ट्रा सामान बैग में है, उसमें जो वुलन कपड़े भी रहेंगे, कुछ सॉक्स वगैरह रहेंगे, आप उसमें डाल के उसमें रैप करके रख दीजिए, ताकि दिन में भी वो टेम्परेचर में उसकी बैटरी डाउन ना हो। इसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पूरे ट्रैक में ड्राई पिट है, तो वेट टिश्यू लेके नहीं जाना है, क्योंकि वेट टिश्यू कोई काम में नहीं आना है। उसके बाद है कि आपको खाना है, अपने आप को वार्म रखना है, खाते पीते रहना है, खाना पसंद आए कि नहीं आए, ट्रैक में खाना स्किप नहीं करना चाहिए, तो खाना है। मेरे हिसाब से सब कुछ हो चुका है। अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कुछ पूछना वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी। आप जाके मेरे इंस्टा आईडी पे जाके के मैसेंजर में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको आंसर करूंगी। आपको कोई भी सवाल हो ट्रैक के रिगार्डिंग या कुछ और भी, कोई और ट्रैक के रिगार्डिंग, तो मैं आपको सबके आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई जगह पे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग का शौक है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आइकन दबा सकते हैं। आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है।